कौन सा है सुद्रासन के पास, सुद्रासन में, सुद्रासन में की थी। तो महाराज उसमें एक प्रसंग है कि जब भगवान रुक्मिणी मंगल, मतलब रुक्मिणी जी का विवाह, राजस्थान का ही साहित्य है वो, तो उसका एक प्रसंग छोटा सा मैं आपको सुना दूं, समय तो नहीं है। उसमें गणेश जी के बारे में देखो, ये कोई प्रमाणित बात तो नहीं है, पर राजस्थान के साहित्य की लिखी हुई बात है, एक मैं आपको ऐसी बता दूं, प्रमाणित नहीं है कि महाराज जब भगवान कृष्ण विवाह करने के लिए जाने लगे तो मन में विचार करने लगे कि भाई गणेश जी को विवाह में लेकर के जाएंगे, धुंध धुंधाले, सुंड सुंडाले। अब हर आदमी चाहता है कि अपने साथ में सुंदर सुंदर लोग रहे। अब गणेश जी तो आप जानते हो, मोटा पेट, लंबी सुंड, मना भी नहीं कर सकते क्योंकि प्रथम पूजनी है, मना भी नहीं कर सकते, तो क्या करें। तो कृष्ण जी उदास बैठे हुए थे, गणेश जी ने पूछ लिया, महाराज आप उदास क्यों बैठे हो। बोले क्या बताएं, हमें जाना है विवाह में। तो महाराज जाओ फिर, कोई बात क्या है। बोले ये सोने की द्वारिका है, इस सोने की द्वारिका की रक्षा कौन करेगा। अरे महाराज कोई नहीं है। बोले गणेश जी या तो आप कर सकते हो और या फिर मैं कर सकता हूं। अब आपका जाना वैसे जरूरी क्योंकि प्रथम पूजनीय है और हमारा विवाह है इसलिए हमारा जाना जरूरी। गणेश जी बोले कि महाराज आपका तो विवाह है, जाना जरूरी है, पर हमारा जाना क्या जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है, हम रक्षा कर लेंगे। कृष्ण जी मन में बड़े प्रसन्न हुए कि चलो राजी राजी काम हो गया, हाँ ले जाना नहीं पड़ेगा, बड़े खुश हुए। और महाराज लड्डुओं का थाल भर करके, हम जो गणेश जी को बैठाते हैं ना दरवाजे पर, पोली में बिठा दिया, पोली, पोली मारवाड़ी में बोलते हैं, राजस्थानी में वो जो मेन गेट में प्रवेश करने वाला जो होता है ना उसको पोली बोलते हैं, पुराने जमाने में होती थी। हाँ क्या बच्चा गुम गया, क्या मायरे में दे दिया, चलो ले जाएंगे मायरे में, बच्चा दे दिया तो कोई बात नहीं है, वृंदावन ले जाएंगे भाई इस बच्चे को। हाँ देख लो भैया किसका बेटा है, बेटा है कि बेटी है। हाँ हाँ बेटा चिंता मत कर, भगवान मायरा भरने के लिए आ रहे हैं। हाँ बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो राधा रानी की जय हो। ये बच्चा किसी का भी हो तो वही देख लो। हाँ सजनों, रुक्मिणी मंगल में चर्चा की गई है कि गणेश जी महाराज को पोली में बिठा दिया और पोली में बिठाने के बाद में लड्डुओं का थाल रख दिया। एक बात ध्यान रखना, आप जो गणेश जी विराजमान करते हो ना, उनके हाथ में, एक हाथ में डंडा होना चाहिए, एक हाथ में आशीर्वाद होना चाहिए। क्यों? केवल आशीर्वाद होगा तो क्या होगा, मालिक आएगा तो भी आशीर्वाद और चोर आएगा तो भी कि बेटा जा कर ले चोरी, कोई पकड़ ले तुम्हारा नाम बता देना, आशीर्वाद जा, दोनों को आशीर्वाद बराबर मिलेगा। फिर एक हाथ में डंडा, एक हाथ में आशीर्वाद, चोर आए तो डंडा और मालिक आए तो आशीर्वाद। अच्छा भैया उन दरवाजे वाले गणेश जी को लड्डू का भोग जरूर लगाना, हाँ लड्डू प्रिय है उनको भोग लगाना चाहिए, वो हमारे घर की रक्षा करते हैं, हम भूल जाते हैं, कोई बार त्योहार कोई भोग लगाए तो लगाए नहीं, याद ही नहीं करते उन गणेश जी को, तो न अगरबत्ती करते हैं न कोई दिया, अगरबत्ती तो करनी नहीं चाहिए, दीपक करना चाहिए। घर में अगर अगरबत्ती जलाते हो ना तो सजनों ये मान लो कि आप कैंसर को निमंत्रण दे रहे हो, क्योंकि अगरबत्ती में बांस होता है और हमारे यहाँ बांस को जलाना मना है। उसका वैज्ञानिक कारण है कि जब बांस जलता है तो कैंसर उत्पन्न होने वाली वो हवा पैदा करता है, इसलिए घर में अगरबत्ती नहीं जलानी चाहिए। धूप बत्ती जला सकते हो, दीपक जला सकते हो, अगरबत्ती नहीं। तो वो दीपक उन गणेश जी को करना चाहिए जो मेन दरवाजे पर बैठे, लड्डू का भोग लगाना चाहिए। गणेश जी बोले हे कृष्ण जी हमको तो लड्डुओं से मतलब है, कोई बात नहीं है, आप हमको बैठा करके चले जाओ, हम रक्षा करेंगे।
अब महाराज कृष्ण जी तो गणेश जी को बिठा करके चले गए विवाह करने के लिए। अब नारद जी को पता लगा तो नारद जी को तो आप जानते ही हो, नारायण नारायण नारायण। नारद जी भगवान के मन है, देखो ये सब भगवान की लीला है। नारद जी महाराज आए और गणेश जी से कहा, गणेश जी आप विवाह में नहीं गए? तो गणेश जी ने कहा, देखो कृष्ण जी ने मुझे बहुत बड़ा सम्मान दिया, बहुत बड़ा मान दिया। क्या मान दिया? अरे कृष्ण जी ने मुझसे कहा कि इस द्वारिका की रक्षा या तो मैं कर सकता हूं या फिर कृष्ण जी कर सकते हैं, दो ही कर सकते हैं महाराज, इतना मान दिया। नारद जी बोले, अरे मेरे भोले भगवान, ये मान नहीं है तो फिर ये तो आपको यहाँ बिठाने का काम है। एक समय नारद यूं बोलिया, सुन गणपति भोला ढाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंद लाला। समझ में आ रही है आपको भाषा? एक समय नारद यूं बोलिया, सुन गणपति भोला ढाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंदलाला। तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंदलाला, ब्यावन चाल्या नंदलाला जी, ब्यावन चाल्या नंदलाला, ब्यावन चाल्या नंदलाला जी, ब्यावन चाल्या नंदलाला। तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंदलाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंदलाला। नारद जी कहने लगे, हे कृष्ण जी बात वो नहीं है। तो फिर बात क्या है? बोले बात यह है, मैं अपनी मर्जी से रुका हूं क्योंकि द्वारिका की कोई रक्षा करने वाला नहीं था। नारद जी बोले बात यह नहीं है तो फिर हम त्रिलोकी के पत्रकार हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, खोजी पत्रकार हैं, बाल की खाल निकाल के लाते हैं, किसी के नहीं रखते हैं। हाँ पत्रकार की विशेषता होती है, असली पत्रकार अपने बाप की भी नहीं रखता, उसकी भी उगाड़ देता है। अब जो ले दे के काम करने वाला अलग बात, अब असली जो होता है ना वो बाप भी जुआ खेलता तो उसे भी पकड़वा देता है। हाँ तो नारद जी बोले हम पत्रकार हैं, हम किसी की नहीं रखते हैं, ये बात नहीं है। तो बात क्या है? अरे मैं तो सगला जास्या बरात में और भूंडो लागे बड़ा ली तू, मैं तो सगला जासा बरात में भूंडो लागे बड़ा ली तू, मैं तो सगला जास्या बरात में भूंडो लागे बड़ा ली तू, मैं तो सगला जासा बरात में भूंडो लागे बड़ा ली तू, मैं तो खास्या माल मड़ाई घर की कर रखवाड़ी तू, मैं तो खास्या मलाई घर की कर रखवाड़ी तू। इतना सुन के क्रोध आ गया, इतना सुन के क्रोध आ गया, सुन ले शेर पताड़ी तू, सुन ले शेर पताड़ी तू, सारी जमीनन थोती कर दे राखे दांत कुदाड़ी तू, सारी जमीनन थोती कर दे राखे दांत कुदाड़ी तू, बरात आगे जा नहीं पावे ऐसा रोक दे तू चाड़ा, बरात आगे जा नहीं पावे ऐसा रोक दे तू चाड़ा। तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंदलाला, तने घरा में छोड़ रुक्मणी ब्यावन चाल्या नंदलाला। नारद जी कहने लगे, मारा बोला भगवान गणेश बात या ना है? तो फिर बोले बात यह है कि हम सब तो बरात में जाएंगे और आपको इसलिए नहीं लेकर के गए क्योंकि भूंडो लागे बड़ा ली तू। भूंडो समझते हो? भूंडो मारवाड़ी में भूंडा बोलते हैं जो अच्छा नहीं, सुंदर नहीं हो, गड़बड़ सड़बड़ हो, भूंडो ये मारवाड़ी शब्द है। ये जो मैं बात सुना रहा हूं कोई शास्त्र की नहीं, मैं आपको सुना रहा हूं राजस्थान का एक साहित्य है पद्मैया कृत, जिसमें महाराज वो रुक्मणी मंगल नाम से हा? तो मारवाड़ी शब्द है इसमें, भूंडो लागे बड़ा ली तू। बोले आप बहुत
सुंदर नहीं लग रहे इसलिए। और हम सब तो माल मलाई खाएंगे और घर की आप रखवाली करते रहो महाराज। अरे नहीं 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 नारद जी, ये द्वारका की रक्षा करने वाला कोई नहीं था। नारद जी बोले, बाप जी एक बात बताओ, ये पानी के बीच में द्वारिका कौन सिर फोड़ने आ रहा था यहाँ पे अपना? पानी के बीच में और नीचे डुबा देते इसको, भगवान के हाथ में ही थी। अरे सुदर्शन चक्र छोड़ देते, किसकी औकात जो इधर आंख भी उठा करके देख लेते। पर सत्य बात यह है कि आपकी शकल थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसलिए छोड़ करके चले गए। गणेश जी बोले, अच्छा ये बात है? बोले हाँ बात तो यही है। इतना सुन के क्रोध आ गया और सुन ले शेर पताली तू। अरे ओ मेरे पताल के शेर। पताल के शेर कौन? चूहा। और मारवाड़ी में जानते हो क्या बोलते हैं? उंद्रो, उंद्री। हाँ उंद्रो, ये मारवाड़ी शब्द है। और महाराज उसको बोलते हैं पताल का शेर। गणेश जी ने कहा ओ मेरे पताल के शेर। अब महाराज उंद्रा उंद्री की क्या कमी, साल में दो बार ब्यावे और सागी छह सात ले आवे, क्या कमी महाराज? पताल का शेर कहते ही एक दो नहीं लाखा करोड़ा तो सेनापति आ गया। बोलो महाराज क्या आदेश है? बोले जिस रास्ते से बरात जा रही है ना, नीचे से जमीन को खोखला कर दो, थोता कर दो। अब महाराज उंदरार उंदरी दौड़े। अब उनको कौन सा औजार पाती किराए का लेके आना था? कोई जेसीपी में तेल थोड़ी गलवाना था खोदने के लिए, या कोई बुलडोजर थोड़ी लाना था? उनके तो दांत ही फिटते महाराज। अब ये देख लो, इतनी फौज थी कि किसी के तो मुट्ठी हिस्से में आई और किसी के छोटी सी चुट्ठी हिस्से में आई और पूरी जमीन को खोखला कर दिया। अब महाराज आगे आगे सेनाई वाले सेनाई बजा रहे हैं, पीछे पीछे कृष्ण जी का रथ जा रहा है और कृष्ण जी अंदर बैठे बैठे बड़े खुश हो रहे हैं। आहा, आज हमारी शादी हो जाएगी, आज हमारा विवाह हो जाएगा। सोच ही रहे थे कि उसी समय सेनाई की आवाज बदल गई। हाँ, क्योंकि जैसे ही वो आगे खोखली जमीन आई, सो सेनाई बजाने वाले कमर सहित अंदर और सेनाई करे अब बजे कैसे महाराज, फूंक ही नहीं मारी जाए। भगवान कृष्ण बोले, यार सेनाई तुम शुभ काम में बजा रहे हो क्या? शुभ काम में बजा रहे हो, ये क्या बजा रहे हो मरे एक जैसी सेनाई? सेनाई बजाने वाले बोले, महाराज आपको सेनाई की लग रही है, यहां सांस लेना मुश्किल हो रहा है। क्या हुआ? अरे क्या क्या हुआ, मामला गड़बड़ हो गया। बाहर मुंह निकाल करके देखो, देखे तो महाराज आधे जमीन के अंदर। बोले महाराज जैसे ही फूंक मार रहे हैं तो और अंदर जा रहे हैं, मामला गड़बड़ है, ये कैसे हुआ? इतने में नारद जी आ गए, नारायण नारायण। अरे महाराज आप किधर से आ रहे हो? बोले उधर से ही आ रहे हैं। अरे द्वारिका गए थे क्या? बोले हाँ गए थे ना। कृष्ण जी बोले समझ गए हम, आ गई समझ में, महात्मा जी ने खुद विवाह किया नहीं, दूसरा कर रहा है तो लगा दी टांग। अरे भाई वापस चलो वापस चलो। क्यों? बोले कोई उपाय नहीं है। सब वापस लौट करके आए और गणेश जी को मनाने लगे और कहने लगे, चाल चाल महारा गरवा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा गरवा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा गरवा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा गरवा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। कृष्ण कमारो मारो काई सारो रखवाड़ो रे। कृष्ण कमारो मारो कई सारो गढ़ोड़ा रखवाड़ो रे। चाल चाल मारा करवा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। चाल चाल मारा करवा गणपति था बिन कृष्ण कमारो रे। अरे गणेश जी महाराज चलो बाप जी चलो।
विवाह में चलो। गणेश जी के ना 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 कृष्ण कमारो मारो कहीं सारो, मैं तो गढ़ पोलिया रखवालो, मैं तो महाराज महल का रखवाला बैठा हूँ, आप जाओ शादी कर लो जाओ। नहीं बाप जी आप चलो, आपके बिना कृष्ण कमारे हैं चलो। अरे नहीं 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 मुझे नहीं जाना, आप जाओ आप जाओ जाओ कर लाओ शादी। सबके सब मन में सोच रहे हैं मेरे बाप हम तो घनी शादी कर लाते पर बीच में आप टांग नहीं लगाते तब ना, पर अब मन में तो बोल नहीं सकते चुपचाप। नहीं बाप जी चलो चलो। गणेश जी के मैं नहीं जाऊं। अरे बाप जी कोई तो उपाय होगा चलने का। गणेश जी बोले एक ही उपाय है, क्या? पहले हमारी विवाह करो फिर चलेंगे, पहले हमारी शादी करो। सब कहने लगे बाप जी जिसका तय है पहले उसका तो हो जाए। बोले ना ना बाद बाद ही, और सुनो कृष्ण जी का एक करो तो हमारा दो करो तब चले। बड़ी मुश्किल से महाराज मना करके लेके गए, बड़ी मुश्किल से मना के लेके गए। अब देखो बारात वाले लड़की वाले बोले, जो लड़की पक्ष के थे ना रुक्मणी पक्ष के, वो कहने लगे भैया आपकी बारात में कोई बच्चा हो जीवने वाला, पहले पहले भोजन करने वाला तो पहले उसको भोजन करवा दें। बारात में जब जाते हैं तो बड़े बाद में भोजन करते हैं और बच्चे जो होते हैं वो पहले भोजन, छोटे पहले भोजन कर लेते हैं। तो कहा भैया कोई बारात में पहले भोजन करने वाला हो पहले तो उसको करवा दे। तो कृष्ण जी बोले हमारी बारात में तो एक ही है पहले जीवने वाला, बस एक ही है। कृष्ण जी मन में सोचने लगे एक को तो जिमा दो, एक एक जिम लेगा तो सभी जिम लेंगे, एक ने भोजन कर लिया तो सभी ने। बोले एक ही है। कृष्ण जी बोले एक ने लेके तो जाओ। मन में सोचा बाद में पता चलेगा एक है का जा रहे है, लेके तो जाओ। चलो कोई नहीं चलो भाई चलो। गणेश जी को लेकर के गए, बिठाया, पत्तल लगाई और पत्तल लगाने के बाद में एक लड्डू रखा। जिमो जिमो जिमो। गणेश जी बोले यार क्या जिमे इसका, ये तो दांतों में ही लग जाएगा। मन में सोचा बच्चा है लालच कर रहा है, एक और दिया लो जिमो जिमो जिमो। गणेश जी का यार क्या जिमे, ये तो गले भी नहीं उतरेगा। लो एक और दिया लो जिमो 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 जिमो, समझते हो ना, खाओ खाओ। गणेश जी बोले यार जिमा रहे हो या फिर मजाक कर रहे हो? तो लड़की वाले बोले वो जो होता है ना जिसमें लड्डू परोसते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अब कोई कह रहा है थाल, कोई कह रहा है तसलार, कोई कह रहा है टैणी और कोई कह रहा है मैणी हूं। एक बात तो बोलो, अब आप समझ गए ना जिससे बारात को परोसते हैं। अब आजकल आप क्या समझोगे, आजकल तो पशुओं की तरह खड़े खड़े खाते हैं, कैसे जानोगे आप? पुराने जमाने में परोसते थे इसलिए नहीं समझ रहे आप। पुराने जमाने में वो जो पंगत को परोसते थे ना लड्डू भर भर के, तो लड्डू से भरा हुआ वो जो परोसने वाला था ना, आप टैनिया बोल लो, थाल बोल लो, जो भी धमा जो भी बोल लो, आप जो भी बोल रहे हो थाल बोल लो। तो महाराज वो जो परोसने वाला था ना, तो लड़की वालों ने कहा क्या पूरा ये थाली डाल दें क्या, दामाई डाल दें क्या, टोपिया डाल दें क्या? गणेश जी ने कहा डाल दो। तो लड़की वाला बोला यार ये, लड़की वाले बोले बच्चा कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। बोले नहीं खाया तो, नहीं खाया तो? गणेश जी कहा नहीं खाया तो क्या? लड़की वाले बोले नहीं खाया तो कोठार में बंद कर देंगे, नहीं खाया तो कोठियार, समझते हो क्या? यहाँ कोठियारी बोलते हैं और कुछ बोलते हैं, जहां वो सारी मिठाई रखी रहती है, समझ गए? लड़की वाले बोले नहीं खाया तो कोठियार में बंद कर देंगे। गणेश जी बोले और काम तो बाद में करना, पहले थारा बाप ने कोठियार में ही बंद करो। चलो लड़की वाले बोले भाई लड़का बहुत ज्यादा बोल रहा है, सगा का बच्चा, इसको चमत्कार दिखाना चाहिए, थोड़ा डराना चाहिए, चलो कोठार में बंद करेंगे और रोएगा तो कोठार खोल देंगे। तो कहा चाल, गणेश जी का चाल, और ले जाकर के कोठार के अंदर दरवाजा बंद कर दिया और मन में सोचने लगे रोएंगे तो खोल देंगे। अब सजनों गणेश जी क्यों रोए, रोए बंद करने वाले हैं, गणेश जी क्यों रोए महाराज? हाँ गणेश जी तो अंदर से लगे चारों हाथों में से खाने के लिए चकाचक,
चारों हाथों से खा रहे हैं और पांचवी वो सूंड गवा गव पांचों से हमारा चकाचक खा रहे हैं। लड़की वाले मन में सोचने लगे, भाई ऐसा लगता है बच्चा बेहोश हो गया, लगता है सांस भूल गया। गणेश जी का बेटा चिंता मत करो, सांस तुम भूलोगे, मैं नहीं भूलूंगा, क्योंकि थोड़ी देर में पूरा कोठार साफ, जो भी मिठाई बनी थी सब साफ। लड़की वाले बोले, अरे दरवाजा खोलो दरवाजा, लड़का बेहोश हो गया लगता है, संबंधियों का है, रिश्तेदार है, भाई बेहोश हो गया है। तब तक गणेश जी पूरा साफ कर चुके थे, बोले खोलो अब देखो कौन बेहोश होता है। और जैसे ही दरवाजा खोला महाराज, एक लड्डू का टुकड़ा नहीं, पूरा कोठार खाली। और पूरा कोठार खाली देखते ही वो लड़की वाले सबके सब सब बेहोश हो गए महाराज, सारे के सारे। और बेहोश होने के बाद में गणेश जी जल का लोटा लेकर के जल का छींटा दिया, और जल का छींटा दिया, होश आया। गणेश जी बोले, दूसरो कोठार और है के चाला, दूसरो हो तो दूसरे में बंद करो। सबने चरण पकड़ लिए, बाप जी अब क्या होगा, हमसे बहुत बड़ी गलती, बोलना और कोठार में बंद करो। सजनों तब से एक नियम हो गया, अपने कोठार बनाते हैं ना तो एक कटोरी में अलग ही जो मिठाई बनती है निकाल के रख देते हैं, अलग ही पत्तल में गणेश जी के लिए, और एक गिलास पानी दिया जला देते हैं। हे गणेश जी महाराज, अगर भोजन जीमना होना तो इस कटोरी में जीमना, कोठार में मत जीम जाना, नहीं तो सारा मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो भैया गणेश जी को नहीं मनाओ तो क्या होता है? ये बात कोई भागवत रामायण की नहीं बताई है मैंने आपको, वो पद्मैया कृत एक मारवाड़ी साहित्य है। कोई कहते महाराज कौन से ग्रंथ में लिखा है, तो ग्रंथ की बात नहीं है ये, तो अपने राजस्थानी साहित्य एक रुक्मणी मंगल उसकी बात है। तो सजनों गणेश जी को नहीं मनाए तो मामला गड़बड़ हो जाए, इसलिए सबसे पहले हम गणेश जी को पत्रिका देते हैं, गणेश जी को, नहीं तो महाराज विघ्न हरना नहीं विघ्न करने का कार्य कर देते हैं। और देखो ये कथा हमें एक शिक्षा और देती है, क्या कि आप कोई भी काम करो, चाहे संस्था वाले हो चाहे कोई घर वाला हो, कोई भी काम करो तो सबसे पहले किसको निमंत्रण दो? गणेश जी को तो देने के बाद की बात कर रहा हूं, गणेश जी को निमंत्रण दे दिया, उसके बाद में सबसे पहले निमंत्रण किसको दो? मैंने कल एक शब्द बताया था ना कल मैंने एक आपको शब्द सुना हो तो, काचर को बीज, कल बताया था, सुना था ना आपने, समझ गए ना? गणेश जी को निमंत्रण देने के बाद में अगर निमंत्रण देना हो तो गांव में घर में जो को सबसे बड़ो काचर को बीज हो ना, कड्डी बिगाड़ काम बिगाड़ने वाला, उसको निमंत्रण दो और कहो भाई साहब तुम्हारे ही भरोसे काम करा, काम को संभालना। आप कहोगे महाराज वो तो देखने आएगा ही नहीं, अरे वो तुम्हारे काम में टांग नहीं लगाए, बस यही संभालना है उसका, तुम्हारे काम में टांग नहीं लगाए यही संभालना है उसका। ये कथा हमें शिक्षा देती है महाराज, इसलिए भैया नानी भाई के यहाँ भी श्रीरंग जी सबसे पहले पत्रिका गणेश जी को लिखते हैं और गणेश जी को मनाते हैं। ओम हरा प्यारा रे गजानंद आई जो, हरा प्यारा रे गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि ने सागे लाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि ने सागे लाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, ने सागे जाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो, रिद्धि सिद्धि ने सागे जाई जो जी, मारा प्यारा रे गजानंद आई जो। गणेश आया रिद्धि सिद्धि लाया, गणेश आया रिद्धि सिद्धि लाया, भरा भंडारा रहे सियो राम, मारा भरा भंडारा रहे सियो राम, मन माई मेरी बाता कैसियो राम, मन माई मेरी बाता कैसियो राम, मिला
संत उपदेशी, राम मन मिला संत उपदेशी। रणत भवन से आवियाओ प्यारा ढूंढारा, रणत भवन से आवियाओ मारा ढूंढारा, विनायक पा।